हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राजस्थान जीके कैप्सूल में। राजस्थान जीके के क्षेत्र में गणों का प्रयोग, जहां हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हल निकालते हैं और बड़ी रोचकता से हम ये करते हैं। बहुत ज़्यादा ये आपको पसंद भी आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष कौन था? दोस्तों, एक नाम है जो कभी झूठ नहीं बोलता था, वो था हरिश्चंद्र। तो उस नाम से आपको इस नाम को याद रखना है। मंडोर वाले लोग कभी झूठ नहीं बोलते, वहाँ के प्रतिहार शासक कभी झूठ नहीं बोलते, तो वो कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। तो यहाँ हरिश्चंद्र का आपको एक ट्रिक के हिसाब से याद रखना है, वो हकीकत के हरिश्चंद्र ये नहीं थे, ये अलग हरिश्चंद्र थे। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था? दोस्तों, महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध चारुमति से विवाह किया था। चारुमति जो सुंदर नाम है। पद्मावती का विवाह किससे हुआ था? पद्मावती विवाह के बारे में चित्तौड़ की अपनी कहानी आप सभी को पता होगी, इस प्रकार से हम इसको याद रखना है। पद्मावती और पद्मिनी एक ही कैरेक्टर है। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी को मेवाड़ का थर्मोपाली तथा दिवेर का मेवाड़ का मैराथन कहा था? किसने कहा था? दोस्तों, ये जितने भी अंग्रेजी नाम है ना जो राजस्थान में कहे गए हैं, वो सारा एक ही व्यक्ति ने कहा था, वो था जेम्स टोड। इसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। ये राजस्थान का पहला इतिहासकार माना जाता है। अंग्रेजों के ज़माने का ये कर्नल था जो आया था, और राजस्थान में बहुत सारी चीज़ ने देखी, बहुत सारा इतिहास इसने लिखा। आज दिन तक हम इसका इतिहास पढ़ते आ रहे हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व भी था। इसे बाबा भी बुलाया जाता था, क्योंकि ये गोरा था, और जोधपुर के साइड ये कहावत है, जो गोरो वही बाबो, जो काड़ो वही बाबो, तो ये भी बाबा ही था। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? दोस्तों, बांडोली एक स्थान है, वहाँ महाराणा प्रताप की छतरी है, कुंभलगढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न अपन लेते हैं, मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी क्या थी? दोस्तों, चांडव जो थी, मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए, मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी। अगला प्रश्न अपना है, प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसको भेजा था? दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था जगतनाथ कछवाहा। जगतनाथ कछवाहा को प्रताप को हराने के लिए अकबर ने अंतिम रूप में भेजा था। अगला प्रश्न अपना है, निम्न में से द्वियर युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, निम्न में से द्वियर युद्ध प्रारंभ हुआ था 1552 में, अक्टूबर का महीना था, तो आपको इसे याद रखना है 10, 15 और 52, याद हो जाएगा। 10वां महीना, 1500 ईस्वी और 52वां साल, ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। निम्न में से अकबर ने उदयपुर का क्या नाम रखा था? दोस्तों, अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था, उसका नाम था मोहम्मदाबाद। अहमदाबाद आपने सुना है, उसी प्रकार से उदयपुर का नाम रखा था मोहम्मदाबाद। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किया था हकीम सूर पठान ने। हकीम सूर पठान का नाम था, इन्होंने प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न अपना है, हल्दी घाटी कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न बता दिया गया है। हल्दी घाटी जो है राजसमंद में स्थित है। राजसमंद एक जिला है, वहाँ पर राजसमंद झील भी है, उसके आगे जाएँ तो कांकरोली आ जाता है, राजसमंद में वो पड़ता है। इधर की साइड दूसरी तरफ अगर हम जाएँ, बीच में राजसमंद है, एक तरफ राजनगर, एक तरफ कांकरोली है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। निम्न में से, और राजसमंद में एक चीज़ और पड़ता है, राजसमंद में एक किला है जिसे द्रु बोलते हैं, कुंभलगढ़, वो भी वहीं पड़ता है, बहुत फेमस चीज है। अगला प्रश्न अपना आता है, निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे? दोस्तों, महाराणा प्रताप को ही कीका कहा जाता है, आपको शायद ये पता नहीं होगा, तो आप याद कर लीजिए, महाराणा प्रताप कौन थे? कीका, काका नहीं, कीका थे वो, काका मत याद कर लेना। निम्न में से हिंदूपद किसे कहा जाता है? दोस्तों, हिंदूपद कहा जाता है महाराणा सांगा को, महाराणा सांगा हिंदूपद थे। निम्न में से राजपूत मनस वरदार को अकबर ने फयचंद की उपाधि दी थी? दोस्तों, फयचंद आपको ध्यान रखना है, ये फयचंद, फयचंद की उपाधि किसने दी थी? राजपूत मनस बदार ने अकबर को फयचंद की उपाधि दी थी। तो ये थे मानसिंह, यानी ऐसे राजपूत फदार जिन्होंने अकबर को फयचंद की उपाधि दी थी, तो वो थे मानसिंह। मानसिंह आपको याद रखना है, मानसिंह कहाँ के थे? जयपुर के, पता होगा आपको। निम्न में से किस राजा ने हरिनाथ सुंदर दास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया? दोस्तों, वो भी आमेर के महाराजा थे, मानसिंह। आमेर कहाँ पर है? जयपुर में, पता होगा आपको। आमेर में कौन से राजपूत जो परिवार है वो निवास करता है? कछावाहा, कछावाहा राजपूत वो हैं, आमेर परिवार में निवास करते हैं। उनकी जो है, आमेर की जो माता जी है, कुलदेवी जी से कहते हैं, वो कौन सी है? शीला देवी, शीतला देवी, शीला देवी, इस प्रकार के दो शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूँ, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? दोस्तों, सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे, और बहुत बड़े ये स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न अपना है, निम्न में से वह व्यक्ति है
जिसके परिवार ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु तो अपने जीवन को निछावर कर दिया। केसरी सिंह भारट है जो, जिनके बहुत बड़े कारनामे रहे हैं, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, जिन्होंने अपने संपूर्ण परिवार को न्यौछावर कर दिया था स्वतंत्रता के आंदोलन में। निम्न में से बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? बागड़ प्रदेश के गांधी थे भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांडे जो थे, बागड़ प्रदेश जो था वहाँ के गांधी माने जाते हैं, अब भी माने जाते हैं, ऐसा नहीं था उस जमाने माने जाते हैं। अगला प्रश्न अपना है, निम्न में से बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? दोस्तों डूंगरपुर के रहने वाले थे। डूंगरपुर एक आदिवासी क्षेत्र में आता है और इसे हम TSP एरिया के नाम से जानते हैं, और ये यहाँ के निवासी थे जो उस जमाने के गांधी माने जाते थे बागड़ क्षेत्र के। अगला प्रश्न अपना है, निम्न में से मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा गया है? मेवाड़ का मैराथन युद्ध जो था वो हल्दीघाटी के युद्ध को नहीं कहा गया, कई बार यही गलती कर देते हैं आप, वो कहा गया था दिवेर के युद्ध को, तो आपको दिवेर का युद्ध है जो याद रखना है। अगला प्रश्न अपना है, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ, दोस्तों प्रताप सिंह बारठ जो है अपने स्वतंत्रता सेनानी रहे, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ जो थे उनकी जन्मस्थली कहाँ है? दोस्तों जयपुर में पड़ता है शाहपुरा, वहाँ पर इनकी जन्मस्थली है। आगे अगर मैं बात करूँ, 1857 में अहवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई? दोस्तों कैप्टन मॉन्क मैसन की हत्या हुई थी, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार 1857 का। तो आज का जीके कैप्सूल अपना यही समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा? बहुत जल्दी आजकल हम इस प्रश्न को करते हैं, कारण ये है कि समय आपके पास बहुत कम है, बहुत सारी वैकेंसी निकल चुकी है, जल्दी से आप इन 20 प्रश्नों को लिया करो, और हो सके तो इसका PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लो, यही तो लिख लो, ये प्रश्न कन्फर्म है रिपीट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.